हेलो फ्रेंड, प्रेमलता'स किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको कुरकुरी आलू की टिक्की कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। कुरकुरी आलू टिक्की बनाने के लिए हम लेंगे 5 या 6 पीस मीडियम साइज़ के आलू, जिसे हमने उबाल कर छिलके उतार कर 2-3 घंटे फ्रिज में ठंडा कर लिया है। उसके बाद हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मिंट पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 2 पीस महीन कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 नींबू का रस, सबको मिलाकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 3 टेबलस्पून राइस पाउडर डालेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप 1 टेबलस्पून और डाल सकते हैं। पहले हम 3 टेबलस्पून ही डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने टोटल 4 टेबलस्पून राइस पाउडर डाला है। राइस पाउडर डालने से कुरकुरी टिक्की बनती है। अब हम टिक्की बनाएंगे। अब हम हाथों में चिकनाई लगाकर इस तरह से मनपसंद आकार की टिक्की बनाएंगे। पहले गोल बना के फिर इस प्रकार से हम चपटी करेंगे। इस तरह से हम सभी टिक्की को बना लेंगे। गैस को ऑन करके हमने एक पैन में 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया है, क्योंकि हम टिक्की सेलो फ्राई बना रहे हैं। उसके बाद हम टिक्की को इस तरह से रखेंगे। गैस की फ्लेम अभी हम मीडियम ही रखेंगे। टिक्की हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई। अब हम चम्मच की सहायता से इस तरह से पलटेंगे हल्के हाथ से। इस तरह से आप देख सकते कितनी सुंदर टिक्की बनी है हमारी। दोनों तरफ से हमारी टिक्की की सिकाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और टिक्की को हम एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कुरकुरी आलू की टिक्की रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसे आप इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी या टमाटो सॉस के साथ इंजॉय करें। इसे बनाकर आप अपने अनुभव प्रेमलता'स किचन में जरूर शेयर करें। टेक